क्या आप जानते हैं कि जो उड़ीसा रेल हादसे में हुआ इसकी मेन वजह क्या है? सबसे पहला और मेन रीजन है कॉन्फ्लिक्टेड गवर्नमेंट डेटा मींस रेलवे स्टाफ ह्यूमन एरर की वजह से जो दो ट्रेन में भिड़ंत होती है और इससे ही सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। लेकिन दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ क्यों जाती है, इसमें किसकी गलती है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हमें समझना होगा रेल सिग्नलिंग वर्किंग मॉडल। सबसे पहले ये जो सिग्नल है उसे होम सिग्नल कहते हैं और ये पूरा मैनुअली होता है। अगर किसी स्टेशन कंसीडर्ड एज होम में ट्रेन को एंट्रेंस मिलना है, वो इस सिग्नल के द्वारा ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ये इन्फॉर्मेशन रेलवे स्टाफ द्वारा पहुंचाई जाती है। ये रेड होने पर ड्राइवर आगे जा सकता है और येलो सिग्नल का मीनिंग है उसे मेन लाइन पे जाना है और नेक्स्ट सिग्नल का वेट करना है जब तक कि वो लाइट ग्रीन या येलो ना हो जाए। और ग्रीन लाइट का मतलब तो सिंपल है कि वो बिल्कुल सेफ है और फुल स्पीड में चल सकती है। ये इंश्योर करने के बाद ही सिग्नल को ग्रीन किया जाता है और ड्राइवर को कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक पता होना चाहिए कि उसका रूट कौन सा फ्री है। और अगर अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम ना हो, दो ट्रेन का भिड़ंत होनी ही होनी है।